दमन की एक ऐसी खूबसूरत जगह जिससे मैं खुद अभी तक अनजान था। चलते हैं क्वेरी लेक, जिसे पेंगोंग लेक ऑफ दमन भी कहा जाता है। बीचेस के लिए मशहूर दमन में इस जगह का होना मेरे लिए भी सरप्राइजिंग ही था। समुंदर की शोर करती लहरें अगर मन को शांति देती है तो इस झील का पानी आपके मन को उत्साहित कर देगा। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त श्रीकांत और स्वागत है आपके अपने चैनल द बैकपैकर्स में। दमन डिमार्ट से महज 2 किलोमीटर की दूरी में कुछ संकरी गलियों में छुपी इस जगह को ढूंढना हमारे लिए काफी आसान था। द बिग एंड बिगर रॉक्स ऑल ओवर एंड द प्योर वाटर इन बिटवीन द बेस्ट प्लेस फॉर फोटोशूट, इसलिए यहाँ ज्यादातर प्री वेडिंग शूट के लिए लोग आते हैं। लोग तो यहाँ तकरीबन नाके बराबर थे और जो भी मौजूद थे या तो लोकलाइट या तो फिर प्री वेडिंग शूट करवाने आए हुए थे। जस्ट टेक अ लुक ऑफ ब्यूटी हियर। दमन में अभी तक हम बीचेस एंड फोर्ट्स ही देखते आए, ये कुछ अच्छा था, कुछ नया था। ऑलमोस्ट मुझे 4 साल दमन में रहते हो गए, बट आई एम विजिटिंग फर्स्ट टाइम ओवर हियर, जबकि मेरे घर से ये जस्ट 4.5 किलोमीटर की दूरी में। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छी चीज़ें हमारे नज़दीक रह के भी हम बहुत दूर दूर जाते हैं उसका आनंद लेने के लिए, बट दिस व्यू इज़ अमेजिंग। आगे भी एक लेक है ऐसा बोल रहे लोकल लोग यहाँ के, विल विजिट देयर, सो प्लीज़ आनंद का अनुभूति करिए। वहाँ पे देखिए कितने सुंदर सुंदर कमल खिले हैं। वाओ, जस्ट मेसमराइजिंग। लोकल लोगों के दिए सजेशंस के बाद हमने आगे रुक कर दिया और भी कुछ अच्छा एंड बेटर एक्सप्लोर करने के लिए। ये जगह और ये नजारा और भी ज्यादा बेहतर था। दो बड़े चट्टानों के बीच से पानी का बहना अपनी तादाद को और भी बढ़ाना, इट जस्ट ऑसम, इट जस्ट अमेजिंग। This place is hidden gem of Daman, need to develop more and need to know more। मानसून का मौसम इस जगह में 4 चांद लगा देता होगा, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नजर नहीं आती। लोकलाइज ने बताया कि मानसून में गोताखोर इन बड़ी चट्टानों से पानी में गोते लगाता है, देखना तो बनता है, hence we try to visit here in a monsoon season। Thanks for watching the video and don't forget to subscribe।